हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जो मैं कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, तो आज का जो हमारा कंटेंट है, मैं आपको बता दूँ, एक मल्टीमीटर के ऊपर हार्डवेयर। आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हैं क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो है मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करें, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। फिर लास्ट में आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सा मल्टीमीटर ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन सा मल्टीमीटर लो। मैंने यहाँ पे दो रखा हुआ है, पर दोनों की एक खासियत है, सबकी खासियत होती है। मैंने बहुत सारे मल्टीमीटर्स तो नहीं रखा है, पर फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये फ्लुक का मल्टीमीटर है जो कि समथिंग इसकी क्रॉक्स 2500 से 3000 के बीच में होती है। मैं यहाँ पे रेट और वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्लुक का। तो अब मैं यहाँ पे मेन जो है मेज़र क्या है, एक्यूरेट चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। और ये है हमारा सनसाइन का DT9205E मॉडल, और मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि इनमें दोनों में क्या मैंने क्यों दोनों को लिया हुआ है। पहले तो मैं एकदम बेसिक्स से लेकर के सब कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो प्रोब होता है, जब आप मल्टीमीटर को आप लोगे तो सारे प्रोब्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो रेड वाला प्रोब आपको सबसे कॉर्नर में लगाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ब्लैक वाला प्रोब आपको यहाँ पर लगा देना है, तब जाके इसका एक्चुअल में वजर और यहाँ पर इसके वोल्टेजेस आपको पता हो पाएंगे। ये हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ आपसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फंक्शंस है, जो हमें यूज़ करना होता है, सारी चीज़ें जो हमारे मोबाइल फील्ड में है, जैसे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड भी है। तो इसे हमें क्या क्या करना होता है, इस बोर्ड आपको बताऊं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, टिप्स हैं, इनकी कंडीशन, इनकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी होती है, ट्रेसिंग करनी होती है, ये सारा चीज़ यहाँ पे करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें, ये जो हमारा सनसाइन का है, इसका जो प्राइस होगा समथिंग 400 से 500 के बीच में होगा, और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है। ये तो बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक आपको वैल्यू और डायोड का एक साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे जो इसकी है, ये है आपका वज़र मोड, या इसको बोलते हैं बीप मोड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये जो हमारी 200, 2K, 20K, 200K, 2M, ये हमारी रजिस्टर को इसकी वैल्यू पता करता है कि वो कितने मान का रजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें ओम्स में, ये ओम्स होता है, ये हमारी रजिस्टर का इकाई है। इसमें हम यहाँ पे जा कर के सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, कोल्ड टेस्टिंग या हॉट टेस्टिंग। तो कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये भी आपको पता ही है सारी चीज़ें। कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए ये जो हमारा रेड वाला प्रोब है वो ग्राउंड होना चाहिए, और ब्लैक वाला प्रोब है वो टिप्स पे होना चाहिए, जिसमें हम उसके GR हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा, सेकंड से हम कंटिन्यूटी ले सकते हैं। कंटिन्यूटी की मीन्स ये होता है ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग करना होता है। जैसे कि आप दोनों प्रोब को यहाँ पर रखते हो तो एक आपको बीप साउंड सुनाई देगा, क्योंकि इसको बीप मोड भी बोलते हैं। ये देखिए आपको एक बीप सुनाई दे रहा है, तो इससे आप ट्रेस कर सकते हो। ट्रेसिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब एक ट्रैक को ढूंढना और फाइंड करना। या आप इससे दूसरा ये कर सकते हो, मतलब यहाँ से पहली चीज़ आप यहाँ पे एक टेस्टिंग कर सकते हो, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, उसकी कंडीशन पता कर सकते हो कि ओके है कि नहीं है, सारी चीज़ें। उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर का आप मान चेक कर सकते हैं। जैसे आपको रजिस्टर का मान चेक करना है, तो आप यहाँ पर किसी भी रजिस्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 200 मिलियन में है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें तीसरी चीज़, यहाँ पे आप कंटिन्यूटी कर सकते हो। अब उसके बाद आपको राउंड सर्कल में जाए, जैसे हमने टेस्टिंग की बात की, तो यहाँ से कोल्ड टेस्टिंग होगा, यहाँ से आपकी हॉट टेस्टिंग होगी। हॉट टेस्टिंग में हम वोल्टेज का पता करते हैं, उसमें आपका ब्लैक वाला प्रोब ग्राउंड होना चाहिए और रेड वाला प्रोब टिप्स पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको यहाँ पे दो साइन दिखाई दे रहे हैं, दो वी दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने वीडियो, अगर आपको पता था तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर ये तो हमें पता था वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे दो साइन देख रहे हो, एक DC का साइन है और एक AC का साइन है। आप जो यहाँ पे स्ट्रेट देख रहे हो, ये हमारा DC का साइन है, और जो आप यहाँ पे फ्लेक्चर देख रहे हो, ये हमारा है AC का। तो हमें जो भी हमारे सिस्टम में, जो भी हमारे फ़ोन से रिलेटेड है, इसमें हम DC वोल्टेज को ही चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा सी बात है, हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज होते हैं वो 20 वोल्टेज से ऊपर नहीं होते हैं। अगर वो होते हैं तो लाइट सेक्शन में होता है। वो सारा डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम में ज्वाइन कर सकते हैं कि कौन सी सप्लाई में कितना वोल्टेज आता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो है वोल्टेज, यहाँ पे हम जनरली 20 वोल्ट तक रखते हैं, और हमें जो भी हमारे सेक्शंस के वोल्टेज होते हैं हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये जो ब्लैक वाला प्रोब है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड होना चाहिए, रेड वाला प्रोब हमारा टिप्स पे होना चाहिए, जहाँ हम वोल्टेज को ढूंढ रहे हैं।
जब हम कोल टेस्टिंग करेंगे, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, रेड वाला प्रोब हमारा ग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक वाला प्रोब हमारा टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप इन प्रोब को भी गलत लगाते हैं तो भी आपके मान और वैल्यू सही से नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गया, और यहाँ पे सारी चीज़ें, और बेसिकली हमारा जो जनरली काम होता है मल्टीमीटर में, एक ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि अगर मोबाइल फील्ड में हमें कुछ काम करना है तो हमें ट्रेसिंग और वहाँ पे इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब मैंने एक मल्टीमीटर और रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लुक का मल्टीमीटर है। अभी फ्लुक में क्या खासियत है, इन दोनों का मैं लास्ट में आपको बताऊँगा सारी चीज़ें आपको। तो ये फ्लुक का मल्टीमीटर है, इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ है, बाकी बहुत इजी भी है। अगर आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा इसको यूज़ करने में। तो बेसिकली चलिए, ये तो साइन बना ही हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो रेड का रेड साइन बना हुआ है, ब्लैक का ब्लैक साइन बना हुआ है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कभी भी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रेड को ब्लैक में लगा देते हैं, ब्लैक को रेड में लगा देते हैं, मतलब ग्राउंड को मतलब उल्टा लगा देते हैं, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे फ्लुक में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम बटन दिए हुए हैं, और जो हमारे बेसिकली मोबाइल फील्ड में काम आते उतना ही उन्होंने ऑप्शन डाला हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे ऑफ़ है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक वोल्टेज का भी साइन है, दो वोल्टेज का साइन है, फिर यहाँ पे आप वीप दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हमारे ओम्स का साइन दिखाई दे रहा होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और एक ये कंट्रोल बटन है जिससे आप फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेसिंग की। तो ट्रेसिंग करने के लिए अगर हमें पहले कंटिन्यूटी लेना है, अगर हमें कोल टेस्टिंग करना है, अगर हमें बीप ढूंढना है, अगर ट्रेस करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटो रेंज यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगर हम इसको मैनुअल करेंगे तो अब आपको देखेंगे यहाँ पे बीप मोड पे आ गई। ये देखिए, ये साइन आ गया। अब इसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, इससे आप कंटिन्यूटी देख सकते हो, मतलब इस पुश बटन से आप इसको मोड को चेंज करके आप सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे जो पुश बटन है, इसको आपको करना क्या है, मैं प्रोब लगा ही लेता हूँ फ्रेंड फटाक से। थोड़ी सी लंबी वीडियो है पर फुल डिटेल के साथ मैंने वीडियो डाली हुई है, तो ये मैंने लगा दिया, जस्ट अ सेकेंड। तो ये मैंने प्रोब को लगा दिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, जैसे मैं फिर से एक बार फटाक से करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ बीप मोड में, और यहाँ पे डायोड वैल्यू मोड पे, अभी ऑटो पे है। अब इसके बाद हमें अगर बीप सुनना है तो अभी देखिए, अभी ऑटो पे है, तो मैं इसको टच करता हूँ तो बीप आती है क्या, ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ। अभी देखिए कोई भी बीप नहीं आ रहा है, ये ऑटो रेंज पे है। अब यहाँ पे मैं इसको, चलिए मोड को चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा बजर मोड पे। अब जैसे इसको हम करेंगे तो यहाँ पे ट्रेसिंग कर सकते हो, एक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये देख सकते हो, मतलब इससे आप कंटिन्यूटी ट्रेस कर सकते हो, एक अपने ट्रैक को ढूंढ सकते हो। अगर इसी में आपको एक्चुअल, देखिए अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर यही चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, हो सकता है कि ट्रेस करके आप, मतलब एक चीज़ आपकी एक वैल्यू चेक करके मैं आपको दिखा दूँ फिलहाल। तो अब यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको डायोड का साइन बन के दिख रहा है। ये डायोड जो वैल्यू है, जो हम इस मल्टीमीटर में एक ही जगह पे कर लेते हैं, कंटिन्यूटी और ट्रेसिंग दोनों चीज़ हम एक ही जगह पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैन्युअली को करना है। अब यहाँ पे आप किसी भी सेक्शंस को चेक करना है, उसकी वैल्यू पता करना है, तो आप यहाँ पे उसकी रीडिंग, उसका जीआर पता करना है, तो आप ये डायोड मोड में जा करके यहाँ पे कर सकते हो। बाकी एक मोड आप और चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको ओम्स, आपको ओम्स दिखाई दे जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे ये देखिए किलो ओम्स, यहाँ पे मेगा, और यहाँ पे ओम्स का बन साइन बन के आ रहा है। आप यहाँ पे फ्रेंड क्या कर सकते हैं, किसी का भी रजिस्टर का, रेजिस्टेंस का, उसका मान पता कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली मेथड है, बट अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आई होप यही यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि बहुत ईजी है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो इसके हम वोल्टेज की बात करें, कैसे हम हॉट टेस्टिंग करते हैं, यहाँ से हम तो हमने कंटिन्यूटी और कोल्ड टेस्टिंग कर ली, और ये जो दो टैप फिर से दिखाई दे रहा है, एक हमारा वी एसी का और एक वी हमारा डीसी का। तो चलिए हम इसको पहले, सबसे पहले यहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपको वोल्टेज का भी साइन बता देता है, कि आप देख सकते हैं वी ए सी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं डाला हुआ है कि ए सी का है कि डी सी का है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी, मतलब ये जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए ये साइन ए सी का साइन था, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए सी। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डीसी चाहिए होता है, तो हम उसको जस्ट ऊपर करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी वोल्टेज, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो ज़्यादा बेटर दोनों ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये डीसी है और ये आपका एसी है, तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड एक्चुअल में इस वीडियो का दो लेने का कंपेरिजन मेरा ये था कि आप दोनों ही से ही काम कर सकते हो, ये नहीं है तो आप 150 का भी मल्टीमीटर आता है उससे भी काम आप कर सकते हो। बट यहाँ पे ये मेरा कंपेरिजन था कि ये एक नॉर्मल मिनिमम रेंज का है और एक ये हाई रेंज का है, आप चाहो तो दोनों ही रख सकते हो। मैंने यहाँ पर यूज़ करना बताया है, ना कि इसमें से कौन सा मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए। अब बात करें कौन सा बेटर है एक्चुअल, तो जाहिर सी बात है महंगा है तो फ्लूक का जो मल्टीमीटर है बहुत ही बेस्ट है। इसमें आपको सारी रीडिंग, इसकी जो वैल्यू है, आपको एक्यूरेट पता चल जाती है। तो यही दो रीज़न था मैंने दो मल्टीमीटर रखने का। आप एक रख सकते हो, ये वाला रख सकते हो, ये समथिंग आपका 400 से 500 के बीच का होगा। मैं रेट नहीं जानता, रेट मेंशन आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डिटेल ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।